हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि क्यों बार बार मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि कोई बात अगर माइंड में सेट हो गई है तो वो नहीं निकल रही है। बार बार उसी से रिलेटेड थॉट्स आते रहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, आगे क्या होगा और कैसे जाने वाला है ये टाइम, कैसे जाने वाला है। तो उसको लेकर बहुत सारे मन में विचार रहते हैं। आज हम देखते हैं कि उन नेगेटिव थॉट्स से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्या ऐसा करें कि नेगेटिव थॉट से हम बाहर निकलें? पास, यस, ओके, ये अपने आप आया। डिस्कवरी, कंप्लीशन, ग्रिप, ओके। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ पास्ट में या ऐसा ऐसी सिचुएशन हुई भी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा दर्द दे रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है और हम उन्हीं बातों को बार बार सोच रहे होते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि यस, मेरे साथ ऐसा हुआ और ठीक है, हो गया, अभी अभी इस बात को मुझे याद नहीं करना है। अगर आपको रोना आ रहा है, आप एक ही बार में रो लीजिए। उस बात को, दर्द को छुपाइए मत, दर्द को इग्नोर करने की कोशिश मत करिए। अगर हम दर्द को इग्नोर करते हैं तो वो दर्द हमारी माइंड से, हमारे दिल से दूर नहीं जाता है। जब हम किसी दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके, मेरे साथ हो गया, अब नहीं होगा, मुझे पता है, तो हम उस दुख से बाहर निकल पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो उस दुख को एक्सेप्ट कर लेना है कि ओके, ये मेरे साथ हो गया। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कोई और किस्मत में होगी या और किस्मत में होगा। तो जो पैटर्न, जिसके साथ जैसी सिचुएशन है, उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो वहाँ से, माइंड से, दिल से, सब जगह से वो दर्द निकल जाता है। और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो पेन हमारे अंदर ही रह जाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए उस बात को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस बात को एक्सेप्ट कर लेना। दूसरा, अपने हार्ट चक्र को, अपने हार्ट क्या करता है, हमारा दिल, हमारे मन के प्यार को थोड़ा सा एक्सपांड करने की ज़रूरत है। खुद से प्यार करना तो बहुत ज़रूरी है ही है, साथ में अनकंडीशनल लव लोगों के लिए भी मन में होना चाहिए। आप जितना दूसरों को प्यार देंगे उतना ही आपको प्यार मिलेगा। तो अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है और माइंड में वो ही बातें चल रही है, वो ही थॉट्स चल रहे हैं, वो ही नेगेटिविटी अगर माइंड में है, तो आप किसी और को प्यार नहीं दे पाएंगे, ना खुद से प्यार कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्यार करना सीखिए, देना सीखिए और खुद से भी प्यार करना सीखिए। आप जितना अपने आप से प्यार करेंगे कि भाई अगर मैं ये दर्द लूंगा या ये दर्द मैं लूंगी तो मैं मतलब कि अपने अपने आप को खुश कैसे रख पाऊंगा, तो वो खुशी पाने के लिए, उस खुशी को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद से प्यार करना और दूसरों को भी प्यार देना। इम्पास यहाँ पर और कंप्लीशन कार्ड ये कह रहा है कि आप ही हमेशा, आप नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और सभी के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि हम खुद ही अपने रास्तों में खुद ही ब्लॉकेज बनते हैं। अगर हम चाहें तो रास्ते को साफ करके आगे बढ़ सकते हैं और अगर हम चाहें तो वहीं अटक सकते हैं कि ठीक है, अब तो ऐसा हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपनी खुद की रुकावट बनना बंद करें। आप अपनी रुकावट खुद बने हुए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही रिजिड टाइप के होते हैं, जिद्दी होते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। तो ऐसा नहीं होता है। अपने थॉट्स को, अपनी ओवर थिंकिंग को हम कैसे, जैसे भी चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ लव करना, अनकंडीशनल लव अपने मन में रखना, दूसरों के लिए भी, और मूव ऑन करना। बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट करके कि यस, मैंने ये किया, बात खत्म, अब आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप मूव ऑन कर देते हो पास्ट की बातों को, पास्ट की ऐसी मेमोरीज जो आपको बार बार हर्ट कर रही है, उनको जब दफना देते हो, पूरी तरह से खत्म कर देते हो, आप अभी इसी वक्त कुछ सेकंड के लिए चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और 2 मिनट के लिए आप जिस भी भगवान को याद करते हैं उनको याद करिए और उनसे कहिए कि मुझे ब्लेसिंग्स दे, मैं आज के बाद अपनी पास्ट की कोई भी बात को याद नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। और उसके बाद आप कहिए कि ये आज से मैं अपने नई जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इस ये जो शुरुआत है उसमें मेरी लाइफ में सिर्फ प्यार है, हैप्पीनेस है, जॉय है और बहुत सारी मेरी जो खुशियाँ हैं उनको मैं चुन रही हूँ या चुन रहा हूँ।
तो ऐसा करके एक नई लाइफ की आज से आप शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से नेगेटिव थॉट से बाहर निकलेंगे। आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस को ही पाएंगे और खुश भी रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुशियाँ देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।